हे गाइस, माय नेम इज नरेश। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो 365 डेज प्रैक्टिस चैलेंज। तो ये इंट्रो में शूट करो अपने स्ट्रेचिंग के बाद। स्ट्रेचिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ सर। जैसे कि आप लोग को पता होगा, आज जो डेट है 13 जुलाई 2022, एंड ये मेरी प्रैक्टिस का 24th डे है। ठीक है, इसमें मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रोज की वीडियोज़ में यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा चैनल पर जाकर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। तो जैसे कि अगर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मैं अब मंच मिल करने वाला हूँ। ठीक है, 2 दिन से मैं सिर्फ मंच मिल कर रहा हूँ। कल तो मैं नहीं कर पाया था कल, क्योंकि मैं शाम को प्रैक्टिस गया था एंड कल बारिश भी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैं अपने घर के पास वाले पार्क में गया था, तो वहाँ पर फ्लोर तो था नहीं, तो मैं जो पब्लिक जिम है उसमें जाके मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें की थी। लेग्स पर वर्क किया था मैंने, किकिंग वगैरह करी थी थोड़ी सी, तो वो सारी चीज़ें करी थी। तो आज मैं वापस से फ्लोर पर आ गया हूँ अपने। ठीक है, यहाँ पर आके मैं मंच मिल करूँगा, तो वापस से थोड़ी सी और स्ट्रेंथ की चीज़ें कर लेता हूँ। उसके बाद से जो भी ड्रिल्स होती है मंच मिल के लिए, वो सारी चीज़ें करूँगा। ठीक है, स्ट्रेचिंग मैंने कंप्लीट कर लिया, तो थोड़ी सी क्लिप्स आप लोग देख लो। उसके बाद थोड़ी स्ट्रेंथ वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें कर लेता हूँ, देन मिलता हूँ आप लोग से। Trying to keep me locked down, ain't no way around it, you know I ain't going back now. Always saw this coming, knew that I would be the man now. Everything gon' happen how was meant to, it's all planned out, yeah. I ain't never had nobody by my side, had to do it all myself, this shit is do or die. I can never fake it, I will never tell them lies. Finally getting what I wanted, it ain't no surprise, yeah. These rappers acting like we homies but never met in person. How you call somebody your bro who you never know, that shit concerning. My temper burning, no time for conversing, I'm focused on myself, ain't no label putting me on a shelf. I went from a nobody to a somebody, still a lot of room I gotta grow. I'm a self-made millionaire, I don't care about the internet jokes. Now the role, the only thing TikTok, and where the homies always be boss talking. I'ma play the game with my own rules, I never lose, I always keep on riding, riding, riding. They been trying to keep me locked down, ain't no way around it, you know I ain't going back now. Always saw this coming, knew that I would be the man now. Everything gon' happen how was meant to, it's all planned out, yeah. I ain't ever have nobody by my side, had to do it. तो गाइज़, मुझे जितने भी सारी चीज़ें करनी थी वर्कआउट के लिए, थोड़ी बहुत मैंने करी है हैंड्स के लिए, कोर के लिए, देन लेग्स के लिए, तो वो मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं थोड़ी सा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। थोड़ी मैं हेड मिल मारूंगा, पैरल ट्राई करूँगा, एंड उसके बाद जो मंच मिल के ड्रिल्स हैं, ठीक है, 3-4 जो मेरे को पता है जो मेरे को करनी है, तो वो सारी चीज़ें करूँगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी सा रेस्ट कर लेता हूँ। सो गाइज़, मैं रेस्ट कर लिया, अब मैं बैरल एंड विंडमिल ट्राई करूँगा। तो पहले मैं कैप चेंज कर लेता हूँ अपनी। तो ये वाली कैप है, इसको मैं लगा के करता हूँ, क्योंकि इसमें ये वाली चीज़ नहीं लगती यार, जब भी हेडमिल मारता हूँ तो ये वाली चीज़ लगती है, तो ये वाली मैं चेंज कर लेता हूँ पहले। सो गाइस, मैंने अपनी कैप चेंज कर ली है, तो अब मैं विंडमिल एंड बैरल ट्राई करता हूँ पहले। थोड़ी थोड़ी से पैड टच हो रहे हैं, तो वहीं मैं थोड़ी सी मैं बैरल वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद ड्रिल स्टार्ट करूँगा। अब मैं बंच मिल के ड्रिल स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले जो बैक स्पिन है वो कर लेते हैं।
सर ये वाली जो टी शर्ट है ये यहाँ पे फ्लोर पे बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा चिपक रही है, तो उससे ना स्पिन करने में प्रॉब्लम आ रही है। कोई नहीं, थोड़ी बहुत करते हैं। तो अभी काफ़ी देर से मैं ड्रिल्स कर रहा था अपने मंच मिल के लिए, ठीक है। तो काफ़ी देर हो चुकी है मेरे को करते करते, अब मैं मंच मिल ट्राई करने वाला हूँ थोड़ी सी जो भी आएगी, क्योंकि एट द एंड वो भी तो ट्राई करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए बेसिक्स मैंने कर लिया पहले, थोड़ी सी मसल मेमोरी बन गई है। उसके बाद मैंने अभी वीडियो देख लिया एक बार, ट्यूटोरियल एक बार मंच मिल का, ठीक है। तो बी बॉय हीरो नागा करके एक बी बॉय है जिसका ट्यूटोरियल मैंने देखा है, सो आप लोग अगर चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं करने वाला हूँ, पूरी ट्राई करता हूँ एक बार। सेकंड है, मतलब आज दूसरा दिन हुआ है कि मैं मंच में ट्राई कर रहा हूँ, कोई नहीं इसने लग रही है इससे, तो राइट हैंड में भी लग गई है, कोई नहीं थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हो जाएगी। आज टेस्ट सेकंड ही है, जब भी आएगी आ जाएगी, हमारा काम है सिर्फ करना, ठीक है। तो मैं बाकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करके आता हूँ, सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि यार फ़ोन में इतना स्पेस भी नहीं होता। तो ठीक है, अभी के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो यार काफ़ी देर से मैं कर रहा था डायरेक्ट पंच पर ट्राई कर रहा था, तो ये वाली जो बोन है यहाँ पे जो हड्डी है ये गई, यहाँ पे पेन हो रहा है क्योंकि ऐसे मार रहा हूँ तो बार बार जोर पे हाथ ऐसे लग रहा है स्पिन करते टाइम। तो ये भी आप मुझे लगता है थोड़ी से बस बेसिक्स ही करने पड़ेंगे, तो बेसिक्स पे ध्यान देता हूँ। तो यार आज की प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट हो गई है, आज मैंने सिर्फ मंच मिल करी है एंड उसके जितने बेसिक्स हैं ड्रिल्स हैं वो सारी चीज़ें करी हैं, एंड आज हाथ में भी लग गई है, तो ज़्यादातर मेरे को ना बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। सो मैं बेसिक्स करूँगा और जितने भी ड्रिल्स हैं मंच मिल के लिए वो सारी चीज़ें करूँगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो इस वीडियो को तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इन्जॉय कर रहे हो इस वीडियो को तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेशन पे। तब तक के लिए बाय।